नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर और अभी मौजूद है जोगिंद्रनगर के मेन मार्केट में। जी हाँ, आज हम आपको बता दें जिस तरह से हिमाचल में आज काफ़ी दिन के बाद जो है सर्दियों की पहली बारिश और बर्फबारी जो है आज से शुरू हो गई है। सड़कों के हालात आप देखते हैं, पानी से जो है इस वक्त सड़कें कुछ ना कुछ भरा है। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है, खासकर बात करेंगे किसानों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि आज बारिश हो रही है और ये मौसम जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है। 3-4 दिन लगातार हिमाचल का मौसम जो है अब इसका जो तापमान है और नीचे गिरेगा। जिस तरह से आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कुछ जोगिंद्रनगर के जो व्यवसायी हैं यहाँ पे जो है अंगीठी में जो है आग सेक रहे हैं, आग का मजा ले रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से आज ठंड बढ़ गई है और पूरा हिमाचल जो है कहीं ना कहीं आठी ठूटता हुआ नजर आ रहा है, और खास बात करेंगे जोगिंद्रनगर की। आज का मुख्य मुद्दा हमारा जो है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सड़कें दिखाएं। NH 154 है मंडी पठानकोट, और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 4 लेन की कहीं ना कहीं बात हो रही है कि 4 लेन के बारे में हम आप चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं आज विशेष तौर पर जोगिंद्रनगर के व्यवसायी, तो जिस तरह से हमारे साथ यहाँ जोगिंद्रनगर के जो व्यवसायी हैं वो जुड़ चुके हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं सर। तिलक राज। तो ठंड है, ठंड हो गई है, बर्फबारी पड़ रही है जी। आग सेकने का काम है, आग सेकने का तो काम है। बिजनेस कैसा है जोगिंद्रनगर? बिजनेस तो वो ठंड है, बिजनेस भी ठंड है और ठंड आ गई है। लगता क्या है, जिस तरह से हम छोटी सी हम आपसे जानकारी भी लेंगे और आपसे बात करने की हम आज यही कोशिश करेंगे कि हम बात कर रहे हैं हिमाचल में जो 4 लेन निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से धर्मशाला से शिमला 4 लेन का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अगर बात करेंगे मंडी पठानकोट की और प्रोर से लेकर अगर पपरोला से लेकर मंडी जो 4 लेन है उसका कार्य जो है कहीं ना कहीं हमें जमीन में दिख नहीं रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, 4 लेन तो बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत हो चुकी है। ट्रैफिक बहुत हो गई है। क्या समस्या आती है आपको एज ए अगर बात करें बिजनेसमैन जोगिंद्रनगर में ट्रैफिक से की क्या समस्या आती है? ट्रैफिक में समस्या तो कुछ नहीं है, पर इनकी जाम लगा। भाई साहब नाम बताएं अपना। मेरा नाम मिल्खीराम है, हम यहाँ जोगिंद्रनगर, मेरा टाइलों का बिजनेस है, तो यहाँ गाड़ी कोई खड़ती नहीं है। जो कस्टमर आता है वो सीधा चले जाता है, 2 मिनट खड़ती है तो पीछे जाम लग जाता है। सड़क की जो 4 लाइन की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस हो रही है, सारी जगह 4 लाइन का काम चला हुआ है। एक हमारे जोगिंद्रनगर में ऐसी है, इसमें अभी तक 4 लाइन नाम का कोई पता नहीं है, हमें ये चाहिए कि इसका काम भी जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। सर बिल्कुल जायज समस्या है, और ये समस्या जो है अधिकतर जो है जोगिंद्रनगर के बात करें या मंडी पठानकोट में हम सफर करते हैं तो जितने भी व्यवसायी हैं उनकी यही समस्या रहती है कि जाम लगता है और यहाँ पे जो है कहीं से बाईपास नहीं है। इन मार्केटों में बहुत ही कंजेस्टेड रोड है और आप देख पा रहे हैं जिस तरह से दोनों साइड से जो गाड़ियां आती है तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा जाम यहाँ पे लगता है। और जिस वजह से अगर कोई अगर हम कहें लोग जो हैं दुकानदार के पास आते हैं खरीदारी के लिए आते हैं तो वो अपनी गाड़ियाँ जो है पार करने की यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि अगर हम थोड़ा सी बात इस पर करते हैं, थोड़ी सी हम जानेंगे सरकार से, चाहे हिमाचल सरकार हो या केंद्र सरकार से, तो क्योंकि आज तक जो जोगिंद्रनगर है, जोगिंद्रनगर का इतिहास जो है वो अंग्रेजों के समय का है। ये लास्ट रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे है जो जोगिंद्रनगर में। एक व्यवसायी हमारे साथ और है, इनसे भी जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। क्या कुछ कहेंगे, 1932 में एक ट्रेन यहाँ से चली थी और ये अंग्रेजों के टाइम का शहर है सर, और आज भी ये जो है सड़क की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, जो ट्रैफिक जाम यहाँ पे रहता है बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई अगर ग्राहक आता है उसने अगर गाड़ी लगानी है रोड पे तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है, और सबसे ज़्यादा समस्या पपरोला से मंडी तक है, ये सबसे पुराना रोड है, पर इसकी हालात इतनी दयनीय है कि हमारे को 2.5 घंटे जोगिंद्रनगर से मंडी के लिए लगते हैं, जाम की समस्या साथ में है, जबकि मंडी से चंडीगढ़ के केवल 2.5 घंटे लगते हैं। तो हमारा सरकार से किसी विशेष पार्टी या किसी से कोई ये नहीं है, हम रल मिल के सब इस मांग को उठाएं और इस समस्या का हल करें। हमें जो है 4 लाइन जल्द से जल्द
ये होनी चाहिए। देखिए अगर आप बात करें जोगिंदरनगर के व्यवसायियों का क्या कहना है फोर लेन के ऊपर, तो फोर लेन के ऊपर इनका यही कहना है कि जो है जल्द से जल्द जो है फोर लेन का कार्य जो है वो होना चाहिए। मैं चाहूंगा यहाँ से जो BDC है जोगिंदरनगर से ढेलू बाड़ से वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, नाम बताएं सबसे पहले। जोगिंदर पाल जी क्या कुछ कहेंगे, मुद्दा हमने फोर लेन का उठाया है कि फोर लेन का जो कार्य है, खासकर बात करेंगे जोगिंदरनगर या हमका बैजनाथ से लेकर मंडी तक, तो एक कार्य कहीं हमें दिख नहीं रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर ये तो बड़ी नाकामी है सरकार की, सेंट्रल सरकार की, ताकि ये जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि बड़ी सामना करना पड़ता है लोगों को, चाहे मंडी से कांगड़ा से आए मंडी तक तो बहुत ही बुरी हालत है, बैजनाथ से मंडी तक ना तो नेशनल हाईवे ठीक है रोड, ना तो फोर लेन बन रहा है, तो इसलिए उद्घाटन करते रहते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है, ये लेते रहते हैं जायजा, तो जायजे से लेने से मतलब है कि काम तुरंत चले जाए। आपका मतलब है कागजों में ही कार्रवाइयाँ होती हैं और कागजों तक ही रह जाती हैं, हालांकि थोड़ा सा आपको, आप लोकल हैं यहाँ से, और आपको जो ट्रैफिक व्यवस्था है यहाँ से, बात करेंगे जोगिंदरनगर की, जिस तरह से हमारी यहाँ पे जो व्यवसायी है इनसे बात हुई है, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है और जो रोड है यहाँ बाईपास है नहीं और फोर लेन का कार्य इस तरह से अटका हुआ है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कम से कम बाईपास यहाँ पे बने या तो फिर यस या बाईपास बनाया दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, ट्रैफिक की रात मिले और व्यापारियों का भी काम चले, तभी फायदा होगा। यस या दुकानों में कोई खड़ी काड़ी करेंगे तो चलान कर देते हैं तो उससे निजात मिले, ताकि चलान नहीं हो, व्यापारी भाई खुश रहे, तभी काम चल पाएगा शहर का, जोगिंदरनगर शहर का। अगर हम आपको बता दें कि जोगिंदरनगर से जो जो लोग यहाँ पे अभी आग सेक रहे थे और ठंड का मौसम है, तो फिर से बताना चाहूँगा कुछ लोग हमारे साथ जो व्यवसायी थे दुकानदार हैं यहाँ पे वो हमारे साथ जुड़े, और अभी जो सोन सिंह शर्मा जी हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं हम आज की जो टॉपिक है वो फोर लेन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मंडी जो पठानकोट का जो हमारा हाईवे है NH 154, ये जो है इसकी हालत तो वैसे भी पतली हो गई है, और खासकर बात करेंगे जोगिंदरनगर की, जो जोगिंदरनगर जो अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया, और अगर बात करते हैं आज भी ये जो जोगिंदरनगर है वहीं का वहीं है, उतना ही सीमित है, हालांकि यहाँ दुकानें बड़ी हैं, लोग बड़े हैं, जनता बड़ी है, लेकिन बाईपास हमारे लिए यहाँ नहीं निकला है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो ये है कि बाईपास तो होना चाहिए, जबकि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो पावर हाउस बनाया था है ना, तो अंग्रेजों के टाइम पे तो नक्शे में जोगिंदरनगर है और बहुत सुपर में अच्छा है जोगिंदरनगर, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे चला हुआ है, तो जोगिंदरनगर का तो इतना दुर्भाग्य है कि यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं इसको, या तो ये कमी जो है या तो फिर हमारी सरकार की है या हमारे एजुकेशन इसकी है डिपार्टमेंटों की है या फिर पब्लिक की है, है ना, कहीं ना कहीं तो कमी कोई ना किसी न किसी की तो है, तो हम तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी होगी या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट की कमी होगी, क्योंकि इस रोड में तो मतलब कोई पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि 3 साल से हम सुन रहे हैं कि फोर लैंड बनेगा, यहाँ तो सिंगल वे भी नहीं है, यहाँ तो बस सुबह से शाम तक ये पता नहीं लगता घर पहुँचना है नहीं पहुँचना है, क्योंकि इतना जाम लगता है यहाँ पे। कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे कुछ बड़े हादसे हो चुके हैं? हाँ बहुत हादसे हुए पहले भी यहाँ पे, क्योंकि जाम इतना लगता है यहाँ पे, क्योंकि बाईपास तो होना चाहिए ना। कुछ मांग रहेगी आपकी हिमाचल और अगर भारत सरकार से? मांग ये रही है कि यहाँ फोर लाइन होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, और ये फोर लाइन तो यहाँ पे जबकि सब जगह बन चुके हैं, जब जोगिंदरनगर पठानकोट टू मंडी का जो था वो 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं और नहीं बना अभी तक। कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं अब लोगों में जो है कहीं ना कहीं रोष जो है प्रकट हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, इस ओर भी ध्यान दिया जाए और खासकर जोगिंदरनगर को जो है अनदेखी इसकी ना की जाए और जो फोर लेन का कार्य है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, हम खबर खास टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर अपना नाम बताएं पहले। सुशील कुमार जी। क्या कुछ कहेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ठंड की, बात कर लेते हैं, बारिश हो रही है? दूर थी आज, बहुत अच्छी बारिश हुई, बारिश हो गई है, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और बहुत अच्छी बारिश हो रही है। सर हमने जिस तरह से तमाम अगर व्यवसायियों से बात की है जोगिंदरनगर से, फोर लेन का मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, फोर लेन का मुद्दा क्योंकि अक्सर देखा गया है जो जोगिंदरनगर है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के टाइम का, एक अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया था, हालांकि इसकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी है, थोड़ी बिल्डिंगें बड़ी हो गई है और कुछ सुधारा नहीं है? नहीं कुछ सुधार नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रोड की है कि यहाँ का जो रोड जोगिंदर टू मंडी इतने बुरे हालात है कि जाना भी मुश्किल ही होता है, जो 1 घंटे का रास्ता है उसको हमें 3 घंटे यहाँ लगाने पड़ते हैं,
तो इस लाइन को जल्दी जल्दी काम गवर्नमेंट चालू करे और ये रोड 4 लाइन में किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरह से एक भाई साहब और जुड़े हैं हमारे साथ, सर नाम था अपना? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, आज ठंडा मौसम है, आप आग सेक रहे थे, आप देखा हमने सारे व्यवसायी एक साथ इकट्ठा हैं और बात कर रहे हैं 4 लेन के ऊपर कि जोगिंदर नगर में जो अगर बात करेंगे बैजनाथ से लेकर मंडी तक 4 लेन का कार्य जो है कहीं दिख नहीं रहा है, और बाकी अगर बात करेंगे धर्मशाला से लेकर शिमला 4 लेन की तो काफ़ी प्रगति से तेज़ी से काम चल रहा है, यहाँ ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है? अब इसके बारे में तो क्या बता सकते हैं, तो विभाग ही बता सकता है अब क्यों ढीला है। ये क्या राय है स्थानीय यहाँ का होने के नाते कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये नेशनल हाईवे भी ठीक हो जाए तो मंडी के लिए भी बढ़िया हो जाना था। आप सफर करते हैं अपनी गाड़ियों में, मंडी तक कितना जाम लगता है, हम कहें कितनी परेशानी आती है? बहुत ज्यादा परेशानी है मंडी, जोगिंदरनगर से मंडी तो रोड की बहुत बुरी हालत है। देखिए ये जनता की मूलभूत सुविधाएं, एक बार फिर कहेंगे जिस तरह से हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और भारत जो है वर्ल्ड के अगर हम इकोनॉमिक क्षेत्र में कहें तो 5वें नंबर में कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ बात करते हैं रोडों को लेकर तो सड़कें हमारी अभी भी वैसी की वैसी ही है, कंडीशन कुछ अच्छी सुधरी नहीं है। और बात करते हैं 4 लेन की, 4 लेन का मसला है और हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी जी भी इस विषय को जो है गंभीरता से लें और ये बैजनाथ मंडी जो हमारा मंडी पठानकोट NH 154 है इसके साथ ही अगर जोगिंदरनगर के लिए या बैजनाथ के लिए इन शहरों के लिए कहीं बाईपास निकाल दिया जाए या 4 लेन का कार्य जो है शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, यही तमाम लोगों की जो है एक आवाज़ है। और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप लोगों से भी चाहेंगे कि हमारे इस खबर को जो है आप मैक्सिमम शेयर करें और आला अधिकारियों तक पहुँचाएं। तो चलिए खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मैं मुनीश ठाकुर, मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।